हम पिछले जुमा को एक वीडियो बनाए थे करीब 6 से 7 मिनट का, लेकिन उस वीडियो को मैंने डिलीट कर दिया था। हम क्या करते हैं, पहले हम अपनी देखें, अपनी जीवन में देखें। अरे यार गाइस, जैसे कि कल आपने देखा होगा कि हम गए थे नौगढ़ यानी सिद्धार्थनगर गए थे, और हम कैसे गए थे वो सब आप लोग जानते ही होंगे कि कितनी मुश्किलों से पहुंचा था मैं वहां पर। लेकिन भाई साहब उसके आवज में हमारे साथ में क्या हुआ यार, वो चीज हम आज अपनी वीडियो में बता रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राइडर रूपी सहताई में। चलते हैं आज की वीडियो में, शुरू करते हैं। तो भाई साहब अगर हम ट्रेन से जाते या मतलब डायरेक्टली मुझे बस मिल जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम पचपड़वा से जब बढ़नी गए तो बस मिल गई थी, और उसके बाद में मैं तो भाई पचपड़वा से ही समझ लीजिए सिद्धार्थनगर तक के टेम्पो में ही गया, बैटरी वाले रिक्शा से गया और उसके बाद में ऑटो से गया। तो कहानी यह है कि वहाँ से जब हम लोग वापस आए तो रात में हमारी भी मतलब हल्का फुल्का तबीयत ख़राब हो गई थी, और उसके बाद में इस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि मुझे खांसी एकदम से आ रहा है, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, नज़ला। बाकी जो हमारे बच्चे थे हमारे साथ में जो गए थे उन लोगों का तो भाई काफ़ी तबीयत ख़राब है, बुखार है, उसके बाद में ओढ़े बेढ़े लेटे हुए हैं घर पर, और हमारी जो बेगम है उनका भी तबीयत ख़राब है, यानी सब लोग बीमार हो चुके हैं, क्योंकि ठंडी इतना ज़्यादा था ही कि ठंडी होने की वजह से समझ लीजिए कि सब कोई मुश्किल में हो गया है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से डॉक्टर के पास, उसके बाद में वहाँ से हम दवा लेंगे बताकर कि मतलब सबको ये है वो है। और उसके बाद में जो हमारा लड़का था साथ में वो गया था, तो उसके यार यहाँ पे गाला बीबी बोलते हैं देहात में, और बाकी और जगह पर क्या उसको बोलते हैं नहीं बता पाएंगे हम। दोनों तरफ उसके निकला हुआ है, उसकी वजह से उसको बुखार है, ठंड लग गया था, और बेगम को भी मतलब ठंड ज़्यादा लग गया था, उनको भी बुखार है, यानी काफ़ी हम मुश्किल में चल रहे हैं। तो अब दवा लेके आएंगे, उसके बाद में दवा देंगे, फिर उसके बाद में ठीक हो जाएगा। तो भाई साहब मेरा कहना यही है कि अगर कोई इस टाइम कहीं पर जाना चाहता है तो वो ऐसी साधन से जाए जिसमें हवा ना लगे और आराम से अपने मंजिल तक पहुँच जाए, क्योंकि भाई अगर ऑटो से जाएंगे या बैटरी वाली रिक्शा से जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि तबीयत ख़राब हो सकती है, और ठंड से जितना हो सके उतना बचें। अगर ठंड से आप बच जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपकी सेहत ठीक रहेगी, अगर कहीं ठंडक लग गई तो समझ लीजिए कि लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि गर्मी में भी ऐसे होता है, गर्मी में लोग जब निकलते हैं दोपहर में तो इतनी तेज मतलब लपट लगती है, इतनी तेज हवा चलती है कि जो हवा लगती है खुद को वो जैसे कोई आग फेंक रहा हो ऊपर, इस तरह के। तो ठंडी भी ऐसे है, अगर गर्मी वाला अगर गर्मी लग जाए तो समझ लीजिए कि काफ़ी वो बीमार हो जाता है, ग्लूकोज तो क्या क्या डॉक्टरों के पास जाओ तो यही सब करते हैं तब जाकर मतलब वो ठीक होता है। ऐसे ठंडी भी है, अगर ठंडी अगर आपको लग गई तो समझ लीजिए बिना इलाज किए आप ठीक नहीं हो सकते हैं, बाकी सब अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। बस ये है कि हम लोगों को एहतियात करना चाहिए, हर चीज़ से बचना चाहिए, हर मुश्किल से बचना चाहिए, लेकिन क्या करें कुछ इमरजेंसी काम आ जाता है तो भाई जाना पड़ता है, चलना पड़ता है, इसीलिए मजबूरी है। अगर ना जाएं तो भाई रिश्तेदारी में और उसके बाद में और जो मिलने मिलाने वाले हैं इन सब से थोड़ी मतलब दिल में राज होने लगती है कि लीजिए यार हम इस मुश्किल में हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ तक नहीं आए, मुझे देखने नहीं आए या हमसे मिलने नहीं आए। बहुत सारे बात होती हैं और बहुत सारे बात सोचने लगते हैं, इसीलिए आदमी को मजबूरन वहाँ पर जाना पड़ता है। तो ये थी कहानी, और हम यहाँ से अभी चल रहे हैं बीरपुर, पहले इमरान भाई से मुलाकात करेंगे, उसके बाद में फिर वहाँ से हम जाएंगे सिसवा, और उसके बाद में फिर डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, वहाँ से दवा लेंगे। तो ये सारा कहानी है, बाकी आगे का जो भी सीन होता है वो सारा चीज़ हम आप लोगों को दिखाते हैं। ये कहानी आज की है हमारे घर में। और एक बात आप लोगों से हम कहेंगे भाई, हम पिछले जुमा को एक वीडियो बनाए थे करीब 6 से 7 मिनट का, लेकिन उस वीडियो को मैंने डिलीट कर दिया था, उसको अपलोड नहीं किया था, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। हमारे कुछ भाई लोग हैं कि जुमे के दिन जब जाते हैं जुमा पढ़ने के लिए यार, तो मस्जिद से निकलते हैं, तो मस्जिद से निकलने के बाद में वो रील वीडियो बनाते हैं, कहते हैं कि मतलब 2024 का 3 जुमा हो गया, 2024 का 2 जुमा हो गया, 2024 का ये 4th जुमा हो गया। तो भाई साहब आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए कि मतलब मस्जिद में अगर गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए जुमे की, और वहाँ से अगर हम निकलते हैं, निकलने के बाद में हमको रील बनाना ठीक लगता है कि नहीं ठीक है, और फिर यार नमाज़ पढ़ते हो तो अपने लिए पढ़ते हो या
फिर है कि मतलब जैसे कोई इंसान इबादत करता है तो अल्लाह ने कहा है कि अगर इबादत करो तो ऐसा करो कि किसी को पता ना चले सिवाय खुदा के। लेकिन यहाँ तो भाई लोग जुमा पढ़ने जाते हैं, जुमा पढ़कर जब निकलते हैं तो रील वीडियो बनाते हैं कि आप लोगों ने कितने लोगों ने नमाज़ पढ़ी, कितने लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी, कौन मस्जिद गया कौन नहीं गया, ये सब कोई कहने की बात नहीं है। हम क्या करते हैं, पहले हम अपनी देखें, अपनी गिरवान में देखें। अरे यार, एक भाई ने कमेंट किया था, उसमें कहा था कि भाई फजर से लेकर ईसा तक के तुम वीडियो बनाओ, रील बनाओ, तो हो सकता है कि दूसरा भी कोई अमल कर सके, वो भी शुरू करने लगे नमाज, नमाज का पाबंद हो जाए। लेकिन यहाँ तो भाई साहब हफ्ते में एक दिन जाते हैं जुमा पढ़ने के लिए, उसके बाद में पूरी कहानी बता देते हैं कौन कौन नमाज पढ़ा, कौन कौन नमाज नहीं पढ़ा, कौन मस्जिद गया कौन नहीं गया, कौन नहाया कौन नहीं नहाया, ये सब बताइए ठीक है कि नहीं ठीक। अगर इसमें मैंने कोई गलत बात कहा हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। बाकी हमारे समस्या तो ये भाई कि हम नमाज़ पढ़ने गए हैं, अल्लाह की इबादत करने गए हैं, हम मस्जिद से निकले उसके बाद में हम कब्रस्तान पर जाएं, वहाँ पर फातिहा पढ़ें, क्योंकि मुर्दे भी मतलब इंतज़ार करते हैं कि कोई आएगा हमारे लिए दुआ करेगा, फातिहा करेगा, अल्लाह से रोएगा हमारी और सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम का दर्जा अता करे। लेकिन यहाँ तो भाई लोग जानते हैं कुछ और करते हैं, क्योंकि अपनी व्यूज बढ़ाने के लिए, अपनी पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए, क्या यार अगर हमको फेमस होना है तो हम ऐसी चीज़ों को पेश करें तब हम फेमस होंगे। अरे भाई, हमने रील वीडियो में भी बताया था कि यार अगर खुद को फेमस होना है भाई तो कुछ ऐसा करो, कुछ अपनी कला दिखाओ। अगर तुम्हारे अंदर मतलब कोई कला है या कोई मतलब अच्छी चीज़ है उसको दिखाओ, लोग पसंद करें, उसके बाद में लाइक करें, शेयर करें, तब तो ठीक लगता है। अब तुम ऐसे काम करते हो यार, क्या बताएं भाई, नहीं कहना चाहिए यार, अल्लाह माफ़ करे मुझे ये सब करने के लिए। बाकी जो करता हूँ भाई वो तो खैर ठीक है, ये सब काम तौबा करता हूँ मैं। और हो सके तो भाई अगर हमारी बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी ज़िंदगी आपकी है, आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं वो आप पर मुजब्बर करता है, हम क्या कर सकते हैं। मेरा काम था इस पर वीडियो बनाकर बता देना, बाकी समझे ना समझें आपकी मर्जी है। तो चलते भाई बिना देरी के पहुंचते हैं, यार काफ़ी लेट हो गया, काफ़ी देर से यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे थे। और ये देखिए हमारी बाइक यहाँ खड़ी है, ठंड लग रहा था तो टोपी लगाए थे, टोपी हमने उतार दिया था, हमने कहा टोपी उतार के रुमाल उतार के तब वीडियो बनाते हैं। ओके, फिर पहुँचते हैं जल्दी से वहाँ हम। चलो, हम जब से उत्तराखंड से लौट कर आए हैं भाई तब से हमने अपनी बाइक की सर्विस नहीं करवाई है और हमारी बाइक इतनी ख़राब चल रही है कि हम क्या बताएं, मेरे पास टाइम नहीं मिलता है, कम इसको तुलसीपुर लेकर चले जाए और उसके बाद में इसकी सर्विस करवा दें। देख सकते हैं आवाज़ इसकी, मतलब सुन सकते हैं इसकी आवाज़ कैसी मतलब आ रही है, लेकिन एक दो दिन में हम इसको ज़रूर तुलसीपुर भेजेंगे, चाहे हम जाएंगे या किसी को भेजेंगे कि इसको सर्विस करवा दें और ये ठीक ठाक हो जाए। अगर नहीं करवाएंगे तो फिर बाइक का ही मतलब नुकसान होगा। वैसे मैंने ऑयल चेंज करवा दिया था, बाकी और कुछ नहीं करवाया था, इसीलिए ऑयल मतलब आवाज़ इसका अजीबोगरीब आ रहा है। और इसका जो मतलब फिल्टर है, क्या बोलते हैं उसको, कुछ नाम ऐसे भी होते हैं बाइक में जो मतलब मैं भूल जाता हूँ कि वो उसका नाम क्या है, जबान पे ही रहता है लेकिन जबान से बाहर नहीं निकलता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जब ऑयल चेंज करवाया था मैंने, फिल्टर नहीं चेंज करवाया था, फिल्टर शायद चेंज करवा देता तो इतनी आवाज़ ख़राब नहीं आती। तो खैर कोई बात नहीं, बस जाएंगे एक दो दिन में, उसके बाद में तब हम फिर इसकी सर्विस करवाएंगे बढ़िया से। और आज धूप भी निकल आया था 1 बजे, लेकिन यही धूप अगर सुबह के टाइम निकल जाया करे तो कितना अच्छा है। इस साल की ठंडी तो समझ में नहीं आ रही भाई साहब, कसम से क्या बताएं हम, आज कम से कम पूरा महीना गुजर चुका है और ठंडी ऐसे चल रही है। तो वीरपुर भाई साहब मैं पहुंच चुका हूं और उसके बाद में इमरान भाई से मिल भी आया। तो यहाँ पर हम पहुँचे हैं जहाँ पर टूर्नामेंट हो रहा था, तो यहाँ पर शायद वसीम भाई हैं, तो वसीम भाई को हम लेते हैं साथ में, उसके बाद में फिर चलते हैं आगे, वो रहेगा तो थोड़ा मज़ा आएगा। बाकी हम बैक कैमरे से दिखा देते हैं यहाँ का व्यू, बच्चे सब अपना क्रिकेट उर्कट खेल रहे हैं, तो वहाँ पर भी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। और उसके बाद में ये जंगल रोड चंदनपुर वाला, बाकी यहाँ पर देख सकते हैं वो ग्राउंड जहाँ पर क्रिकेट हो रहा था उस दिन, ये देखिए। ए वसीम, लागत है ना है कहाँ भाई है, वसीम नहीं है क्या यहाँ पे? तो वसीम शायद यहाँ पर नहीं है, तो उसको हम फोन कर लें, अगर यहीं पर कहीं है तो लेकर चलते हैं साथ में, अगर नहीं है तो फिर छोड़ो जाने दो। लग जा जल्दी।
हाँ अस्सलाम वालेकुम भाई। अरे कहाँ मालिक? तय कहाँ बताओ? अरे अभी यह हुआ था ना कि जब वहीद बलई है मैच वही ना खेल सुने यहाँ बताई मैच खेले जाते फिर वह बात है। ठीक है अब यहाँ आए हम वीरपुर चल के वगैरह बाद में रास्ता बताओ तो हम मैं हाँ ठीक है भैया ठीक है भैया ठीक है कोनो बात ना है काबले जैसे आपके मर्जी हाँ जैसे मर्जी आपके और का आप काओ कही भैया हम तो आए हैं इतना दूर चल के अब तो रास्ता बताओ तो हम मैं तो हम खुद चल के आए हैं अब आए हैं मीन जी जी इतना दूर से ठीक है चला जाए यार। ठीक है भैया ठीक है जाइस है देखियो भाई साहब हम वहाँ से चल के आए हैं नहीं इतना दूर नहीं आ सकते तो चलो कुहारगड्डी पहुँची थे कुहारगड्डी से फिर सही से वहाँ से सवा हम जबकि भाई साहब मैं घर से सोच के आया था कि चलते हैं और वसीम भाई को लेते हैं उसके बाद में फिर चलेंगे कुहारगड्डी चलेंगे वैसे सिसवा चलेंगे और वो यहीं पर है ये पोखरा दिख रहा है ना ये पोखरा यहीं पर है मतलब उसी का है ये मतलब नहीं आया ना दूर चल कर आया था रोड यही है क्या कहना यार। तो भाई साहब हम कुहारगड्डी पहुंच चुके हैं सामने देख सकते हैं कुहारगड्डी मार्केट है लेकिन ये आता है ग्राम समाज में ग्राम सभा में ये कोई मतलब टाउन नहीं है बस ये है कि बाजार के जैसा दिख रहा है यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं मिलेगी। और यह डॉक्टर साहब का क्लिनिक देख सकते हैं आप अरे किस धुन में था भाई मैं और यहाँ देख सकते हैं कि मैं चाबी लगाकर उसके बाद में क्लिनिक के अंदर बैठा था कोई भी हमारी गाड़ी ले जा सकता था बताइए गलती कितनी बड़ी गलती। कुहारगड्डी से मेरा काम हो चुका है मैं निकल रहा हूँ सिसवा के लिए और मुबीन भाई से मिलकर उसके बाद में फिर हम चल देंगे घर पूरा टाइम खत्म हो गया यार मैं सोचा था कि कुहारगड्डी से मैं दवा लूँगा उसके बाद में तुरंत निकल लूँगा बस हमारा ऐसे रहता है जहाँ हम बैठते वहीं बैठ ही जाते उठने का नाम ही नहीं लेते हैं। सिसवा ना भाई यदि हम देखे नहीं तो हम कह रहे तू बड़ा नीक लागत था अब काहे नीक लागे थे मालूम है आज हम नहाए देखा तो कितना एकदम सुगर सुगर लागे थे आज पूरे पूरा एक हफ्ता बाद नहाया आज ठंडी थोड़ा है झूठ बोला था यार कसम से एक हफ्ता हो गया भाई ज्यादा पूरा जनवरी खत्म हो गया आज 26 जनवरी तो धाबो ना करते हो झूठ कहते हैं भाई लोग एक हफ्ता हो गया पूरे पूरा आज जुम्मा नहाई थे और तुम्हारे दादा हमारे दादा तो उनके तो 15-20 दिन बीत जाते हैं आराम से गंधौरा आदमी चलते सबसे गंधौरा आदमी है चलिए ठीक है कोई बात नहीं हंसी मजाक चलती रहती है। अच्छा ठीक है आओ एक काम और बचा है वो काम हमें करे थे काबले बड़े पुरवा में यहाँ बड़े पुरवा आकर दवाई लिया दवाई लेने के बाद में भाई सीधे मैं घर पहुँचा हूँ और जो कुछ था आज की वीडियो में हमने आप सबको दिखा दिया मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए भाई। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए बाय।